जैसे कि हर एक्ट की डेफिनेशन सेक्शंस होती हैं, इस तरीके से इस एक्ट में भी डेफिनेशन के लिए सेक्शन 2 ही डेजिग्नेटेड है, या मैं कहूं जैसे डीटीएल में आपके लिए डेफिनेशन की सेक्शन सेक्शन 2 है, ऐसे हर एक्ट में जो है डेफिनेशन की सेक्शन 2 ही होती है और उसको अभी तक तोड़ा नहीं गया। सबसे पहला हमारे रेलेवेंट जो डेफिनेशन है हम पहले वो देखते जा रहे हैं, फालतू डेफिनेशन हम नहीं देखेंगे। वैसे तो 87 डेफिनेशन करीब दी हुई है, बट वी आर एट द फर्स्ट डेफिनेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सबसे पहले डिफाइन होता है, इसलिए नहीं कि इंपॉर्टेंट है, अल्फाबेटिकली ए आ रहा है इसलिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मींस द स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग और एनी एडेंडम देयर टू फॉर कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज रेफर्ड इन सेक्शन 133। और अनफॉर्चुनेटली सेक्शन 133 नोटिफाई नहीं हो पाई, नफरा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, वो सेक्शंस का 133 तो नोटिफाई हो गई है, एक हमारे पास एक मास्टर लिस्ट रहेगी जिसमें कौन कौन सी सेक्शन नोटिफाई हुई है हम उसको देख रहे हैं। अब सबसे पहले आती 133, whether it had been notified or not। So, अगर आप लिस्ट देखें तो 133 had been notified, 134 had been notified, लेकिन कुछ सेक्शंस नफरा के कॉन्स्टिट्यूशन की हैं, वो अभी नोटिफाई नहीं हुई। सो 133 एंड 134, 135, 136 have been notified। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, सो दैट इज नोटिफाइड, क्योंकि अभी मुझे खुद रेफरेंस लेना पड़ेगा कि कौन सी सेक्शन नोटिफाइड है, बिकॉज नोबडी कैन इस वक्त समझ पाना मुश्किल है कि कौन से सेक्शन नोटिफाइड है, बार बार रेफरेंस लेना पड़ेगा। 133 इज नोटिफाइड, 133 ऑफ द एक्ट सेज, जैसे हमारी 211 3C हुआ करती थी कि अगर किसी कंपनी के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगना है तो उसके ऊपर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेंगे जो नाकास नोटिफाई करेगा। नाकास डिसॉल्व हो चुका है, नाकास स्वर्गीय हो गया, नाकास नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं बची, उसकी जगह एक नई चीज आ गई है एंड दैट इज नोन एज नफरा, NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। सो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी हैज रिप्लेस्ड द नाकास। तो नाकास अभी हालत यह है कि नाकास डिसॉल्व हो चुका है और नफरा अभी बना नहीं है, नफरा का कॉन्स्टिट्यूशन होना बाकी है, बाकी सेक्शंस वन सेक्शन नंबर 133 तो लग चुकी है। सो वेरी सिंपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला इफेक्ट ही यहीं से आया कि अब तक हम बोलते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 211 सबसेक्शन 3C ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। अब उसकी जगह हमको हमारे ऑफिस में जाकर सारी चीजें अगली बैलेंस शीट में चेंज करनी पड़ेंगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133 बाय नफरा, दैट इज कॉल्ड NFRA। सो ये पहला चेंज आया है। सेक्शन 133 क्या है वो अपन जब अकाउंट्स और ऑडिट वाला सेक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाउ ऑनवर्ड स्टैंड चेंज, जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाकास ने लिए थे वो एज इट इज अभी एप्लीकेबल है, लेकिन नफरा आके उनको चेंज कर सकता है। सो नाकास नाम की कोई चीज अगर आपको कहीं दिखती है तो इट हैज नो मीनिंग एट ऑल, आपको उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। एसोसिएट कंपनी, अब तक एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन एज सच कंपनीज एक्ट में दी ही नहीं थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 एसोसिएट कंपनी को डिफाइन करता था, लेकिन यहां पर एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन उन्होंने नहीं दी है। इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एज इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर कंपनी। यानी उन्होंने साफ कह दिया कि आपके पास क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, लेकिन ना तो आप क्या होना चाहिए सब्सिडियरी और ना ही आप क्या होना चाहिए जॉइंट वेंचर, साफ लिखा हुआ है। बट विच इज नॉट सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। यहां लाके इन्होंने लफड़े कर दिए, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जॉइंट वेंचर की डेफिनेशन ही हमारी अलग है बॉस, और आपने यहां लाके बोल दिया एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। एसोसिएट की डेफिनेशन में बहुत बड़ा चेंज है अगर आप फोर्सी करें तो। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस। वहां तक तो ठीक है,
लेकिन उसके बाद लिख दिया एंड इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर कंपनी. ये डेफिनेशन किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं दी हुई है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तो हम जॉइंट वेंचर को अलग ही मानते हैं जहां पर एग्रीमेंट से जॉइंट कंट्रोल होता है. ये तो कह रहे हैं कि इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी. तो पहला इंपैक्ट इसका यह आ गया कि एज पर कंपनीज एक्ट एसोसिएट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर. अब इसका क्या क्या अकाउंटिंग इफेक्ट आएगा वो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जाने. अभी तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्लेरिफिकेशन लिखना पड़ेंगे. तो पहला पॉइंट आप नोट करके रख लीजिए अपने यहां पर कि इसके इन इन चीजों के बारे में भी क्लेरिफिकेशन आने बाकी हैं. जब तक आपकी एग्जाम होगी तब तक क्लेरिफिकेशन आ चुके होंगे. एसोसिएट कंपनी डेफिनेशन इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर. इसके अकाउंटिंग रिपरकेशन बहुत सारे हैं. मुझे आज मालूम नहीं था कि एग्जैक्टली कितने बच्चे आएंगे, इसलिए मैंने करीब 100-150 करवाए हैं. कल तक और हो जाएंगे कॉपी, क्योंकि अब मालूम ही नहीं था कि बच्चे कितने हैं नवंबर वाले. सो बांट दो, एक में एक सभी इनको दे दो, मेरे पास तो पूरा बैरेक्ट. नाउ पहला कंक्लूजन हमारे लेक्चर का ये निकलता है कि एसोसिएट कंपनी में कौन शामिल होगा. तो सर एसोसिएट कंपनी में शामिल होंगी ज्वाइंट वेंचर भी. उसके बाद खुद ही एक्सप्लेन करते हैं. For the purpose of this clause, significant influence means control of at least 20% of the total share capital or of business decision under an agreement. Business decision पर आपका agreement के through significant influence हो या 20% कम से कम आपके पास voting rights हो, तो हम कहेंगे that is called known as ज्वाइंट वेंट, दैट इज नोन एज एसोसिएट. लेकिन साथ में उन्होंने ज्वाइंट वेंचर कंपनी भी इंक्लूड कर डाली, दैट इज समथिंग डिफरेंट. तो पहली चीज जो बाहर आती है नया अमेंडमेंट, दैट ज्वाइंट वेंचर विल बी इंक्लूडेड इन द एसोसिएट. अब चक्कर यह है कि हमारे पास तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 है फॉर एसोसिएट और 27 है फॉर ज्वाइंट वेंचर. तो मेरे हिसाब से अकाउंटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए. जब भी हम बात करेंगे कंसोलिडेशन की तो दैट कंसोलिडेशन विल इंक्लूड एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर बोथ. बट स्टिल ये नोट करना जरूरी है कि नए कंपनीज एक्ट ने सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर इसको क्या बोला है, जॉइंट वेंचर कंपनी. और सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 मत बोलना प्लीज, सॉरी सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 के अंदर ही जो है इंक्लूड किया है जॉइंट वेंचर को. और सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 के अंदर जो इंक्लूड किया है जॉइंट वेंचर को, दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. नाउ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड छोड़ दो अभी, ऑथराइज्ड कंपनी बैंकिंग कंपनी वी नीड नॉट टू टेक केयर ऑफ दोज. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जरा देख लो. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड इन रिलेशन टू कंपनी मीन्स कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वी ऑल नो. अब एक नई डेफिनेशन और दो नई डेफिनेशन वो लेकर आए. पहला बुक्स एंड पेपर, एंड बुक्स और पेपर, और 13वें नंबर पे लाए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स. दो डिफरेंट डेफिनेशंस हमारे पास, एक है बुक्स एंड पेपर एंड बुक्स और पेपर, और दूसरी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स. टू डिफरेंट डेफिनेशंस, बुक्स एंड पेपर एंड बुक्स और पेपर. इस कंपनीज एक्ट में जब भी बुक्स एंड पेपर या बुक्स और पेपर वर्ड यूज किया जाएगा, उसका मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी उसमें है, डीड भी उसमें है, वाउचर भी उसमें है, राइटिंग भी उसमें है, डॉक्यूमेंट भी उसमें है, मिनट बुक्स भी उसमें है, जितने रजिस्टर रखते हैं चाहे पेपर पे चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सब आ जाएंगे. मतलब एक वाइडर टर्म डाल दी, बुक्स और पेपर्स या बुक्स एंड पेपर्स. और उसके बाद एक नई टर्म उन्होंने इस बार डिफाइन की. पिछली बार बुक्स ऑफ अकाउंट डिफाइन थी सेक्शन 209 में, इस बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उन्होंने डिफाइन ही अलग किया है, दैट इज इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 13. सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में दे हैव डिफाइंड व्हाट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इंक्लूड्स रिकॉर्ड मेंटेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ. ये वही डेफिनेशन है जो 209 में हमने आईपीसीसी में पढ़ी थी. All sums of money received and expended by a company and the matters in relation to which the receipt and expenditure took place, that means cash book and bank book. All sales and purchase of goods and services by the company, matlab sales register and purchase register. The asset and liabilities of the company, matlab general ledger. An item of cost
cost as may be prescribed in section 148 यानी cost record अगर central government ने notify किए हैं तो पहले cost record maintain होते थे 209 subsection 1 clause D में अब cost record maintain होंगे section 148 में so ये सारे मिलाकर के books of accounts कहे जाएंगे कोई नई definition नहीं है books of accounts के अंदर बस इतना सा है कि books of accounts जो हैं वो अब electronic form में रखे जा सकते हैं जब मैं chapter चालू करूंगा आपका तब मैं बताऊंगा चैप्टर 8 चैप्टर 9 चैप्टर 10 मैंने आपको दिए हुए हैं तीनों उनमें हम देखेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कैसे करना है लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है वो उन्होंने यहां दिखा दिया लेकिन एक्ट पढ़ते समय अब आपको ध्यान रखना होगा दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक अलग चीज है और बुक्स एंड अकाउंट्स एक अलग चीज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग है बुक्स एंड अकाउंट्स अलग है देन कम्स Chartered Accountant, they have defined the Chartered Accountant under Section 2, Subsection 13. Section 2, Subsection 217 में उन्होंने define किया Chartered Accountant कौन? पूरी definition पढ़ने के बाद आप एक conclusion निकालोगे और वो ये, who holds a valid certificate of practice under Subsection 1 of the Section 6 of the Act. जिसने COP ले रखी है, वही हमारे लिए Chartered Accountant है Act में. अब एक्ट कहीं भी सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलेगा दैट मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस मैं सिर्फ उन सेक्शंस को डील कर रहा हूं जो अकाउंट्स और ऑडिट से रिलेट करती हैं बाकी सेक्शंस को डील करने का काम आपके कंपनी लॉ के टीचर्स का रहेगा मेरा काम जहां तक है वो मैं अपना काम कर रहा हूं वेरी सिंपल चार्टर्ड अकाउंटेंट मींस अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज डिफाइंड इन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 Who hold valid COP? यानि अब अगर कहीं भी chartered accountant word use किया है, तो उसका by default meaning होगा practicing CA. उनको अलग से define नहीं करना पड़ेगा कि CA in practice. Practicing CA is well defined under the section. बहुत clearly they have defined it. Then comes chief executive officer and chief financial officer. Sir CEO और CFO दोनों को अलग से दिया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब वो ऑफिसर हु हैज बीन डेजिग्नेटेड एज सच बाय कंपनी जिसको सीईओ बोल रही है वही सीईओ है कंपनी को डेजिग्नेट करना पड़ेगा कि उनका सीईओ कौन है और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मींस अ पर्सन अपॉइंटेड एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसी को हम बोल नहीं देंगे उसका अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए एज अ सीएफओ क्यों क्योंकि सीएफओ के ऊपर भी बहुत तगड़ी धाराएं लगी हुई हैं ही विल बी ऑफिसर इन डिफॉल्ट इसलिए सीएफओ को अब डिफाइन करना बहुत जरूरी है लोग कह रहे हैं प्रैक्टिस करना मुश्किल हो गया मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस करने से ज्यादा मुश्किल हो गया सर्विस करना क्योंकि सर्विस करने में आप कहां जा रहे हो सीएफओ पे और सीएफओ पे जबरदस्त तगड़ी पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशन So, खाली ऑडिट करना मुश्किल नहीं हुआ सर सीएफओ हैज बीन डिफाइंड और वो क्लियरली बोल देते हैं कि अगर ये वायलेशन हुआ तो सीएफओ विल बी रिस्पॉन्सिबल मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल इसलिए उन्होंने सीएफओ डिफाइन कर दिया है और हम सीएफओ को सीएफओ तब तक नहीं मानेंगे जब तक उसका अपॉइंटमेंट ना होगा एज अ सीएफओ चलो सर तो फिर हम अपॉइंटमेंट लेटर ही लेंगे एज अ सीएफओ कोई बात नहीं आपको ऑफिसर इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन में तो हम ले ही लेंगे वो तो बहुत ब्रॉडर डेफिनेशन है खैर उन डेफिनेशंस को आपको आपके कंपनी लॉ के टीचर पढ़ाएंगे मुझे जो पढ़ाना है वो मैं बता दूं नाउ दे हैव डिफाइंड डिबेंचर दे हैव डिफाइंड डिपॉजिट्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड्स और अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेट वेदर कंसिस्टिंग अ चार्ज ऑन असेट ऑफ द कंपनी और नॉट That means अब तुम उसको बॉन्ड कह लो चाहे तुम उसको शॉर्ट टर्म डेट कह लो चाहे तुम उसको लॉन्ग टर्म डेट कह लो हमें मतलब नहीं है हम तो ये कह रहे हैं इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेट तुमने डेट लेकर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जारी किया तो मैं उसको बाय डिफॉल्ट डिबेंचर ही बोलने वाला हूं चाहे तुम उसको बॉन्ड बोलो चाहे तुम उसको कुछ भी बोलो एनीथिंग मैंने आपको डेट दिया और डेट लिया आपसे और आपको इश्यू कर दिया एक इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट बाय डिफॉल्ट क्या कहलाएगा डिबेंचर
चाहे तुम उसको बॉन्ड बोलो चाहे डीप डिस्काउंट बॉन्ड बोलो चाहे कोई सा भी बॉन्ड बोलो दैट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट डिबेंचर बहुत क्लियर डेफिनेशन है डिबेंचर की एंड देन डिपॉजिट इट इंक्लूड्स एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन or in any other form by a company but does not include such categories of amounts as may be prescribed in constitution with RBI reserve bank of india ke rules hua karte hain acceptance of public deposits ke liye unme jo chhod diye gaye hain baki uske alawa hum sare ke sari cheezon ko sare loan ko hum kya maan lenge deposits oh every loan will be treated as what deposit unless it has not been treated ki उसको आरबीआई ने एग्जाम कर दिया हो कि नहीं इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे मतलब ये भी एक बहुत वाइडल डेफिनेशन आ गई रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ अ डिपॉजिट और लोन और इन एनी अदर फॉर्म एक कंपनी ने पैसे लिए हैं किसी से या तो डिपॉजिट के तौर पर या तो लोन के तौर पर या किसी और तरीके से हम उन सबको मिलाकर एक ही चीज बोलेंगे दैट इज व्हाट डिपॉजिट जब तक आरबीआई खुद प्रिस्क्राइब नहीं कर देता कि दिस इज व्हाट इट इज नॉट डिपॉजिट यानी बहुत क्लियरली डिपॉजिट्स को वाइडर डेफिनेशन दे दी गई है और डिपॉजिट्स में तो बारह ही बजा दी गई है कंपनीज की जब आप डिपॉजिट्स के प्रोविजंस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन डिफाइंड बॉस सबसे इंपॉर्टेंट बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 कई चीजें ऐसी जो कंपनीज एक्ट ने कभी डिफाइन ही नहीं की थी दिस कंपनीज एक्ट 2013 हैज डिफाइंड देम वेरी specifically and categorically financial statement in relation to a company includes inclusive definition of financial statement ki a balance sheet as at the end of the financial year a profit and loss account or jo section 8 companies hain pehle hoti thi section 25 companies unki jagah ab yahan par ho gayi hain section 8 companies unke liye unhone bol diya income and expenditure account so नॉर्मल के लिए बैलेंस शीट और पीएनएल बाकी के लिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैश फ्लो स्टेटमेंट चाहिएगा और साथ में चाहिएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल नो दे विल अप्लाई कि किसको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी लगाना है एंड एनी एक्सप्लेनेटरी नोट्स अनेक्स्ड देयर टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन क्लॉज 1 टू क्लॉज 4 एक से लेकर 4 तक जितने भी एनेक्सर होंगे वो सारे के सारे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएंगे कैश फ्लो सब पर लगाना जरूरी है सिर्फ 3 लोगों को कैश फ्लो से छूट है 1% कंपनी डॉर्मेंट कंपनी एंड सॉरी प्रोवाइडेड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू 1% कंपनी स्मॉल कंपनी एंड डॉर्मेंट कंपनी 3 कंपनीज हैं जिन पे कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं लगेगा कान खोल के सुन लो कैश फ्लो स्टेटमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पर एप्लीकेबल हो गया है थ्रू कंपनीज एक्ट चाहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ भी कहता फिरे एक्ट इज ओवरराइडिंग ओवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाउ AS3 इज एप्लीकेबल ऑन एवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिर्फ 3 कंपनीज को हमने यहां से छूट दी है एक स्मॉल कंपनी एक 1% कंपनी और एक डॉर्मेंट कंपनी अभी तीनों की डेफिनेशन में पढ़ाऊंगा कि 1% कंपनी कौन डॉर्मेंट कंपनी कौन और स्मॉल कंपनी कौन इन 3 कंपनियों को छोड़कर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हैज गॉट अ वाइडर इंपॉर्टेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तो वो भद्दपिटी है इस कंपनीज एक्ट में कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को समझ में नहीं आएगा कि अब इन कंपनियों का करें तो करें क्या गले की हड्डी हो गई है हम सबके लिए वो